Hello guys, merhaba, ben Cenk. Bu akşam numara ne kadar? Bu arada yarın bu yok. मेरे चैनल से जुड़े आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। आप सभी को, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों 78 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, तो आज आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हम भी घूम फिर के आते हैं और देखते हैं हमारे आसपास क्या चहल पहल हो रही है। स्कूलों में कई सांस्कृतिक प्रोग्राम रखे जा रहे हैं, जगह जगह से मतलब देशभक्ति गाने बजने की आवाज़ें आ रही है। तो चलो घूम के आते हैं इस माहौल में, देखते हैं हमारी ये जर्नी कहाँ जाके रुकती है। तो चलो भाई, मैं आ गया सीधे बीरो खाल, क्योंकि हमारे जो जूनियर हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, मैंने वहाँ पे पूछा तो उन्होंने कहा नॉर्मली प्रोग्राम है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो तब तक गाड़ी मिल गई और मैं आ गया गाड़ी से सीधे बीरो खाल। तो अभी बताया जा रहा है यहाँ पे प्रभात फेरी हुई थी बढ़िया से एकदम, लेकिन हम उसके लिए नहीं पहुँच पाए। चलो जी, अब हम थोड़ी बहुत कुछ ख़रीदारी करते हैं, उसके बाद जो है निकल जाएंगे अपनी टैक्सी से। फिलहाल मैं आया हूँ केमिस्ट में दवाई लेने। तो यार नाश्ता, ओके ओके। तो भाई आजकल मौसम ऐसा, बारिश हो रही है, कभी धूप आ रही है, तो तबीयत ख़राब होती रहती है, कभी बच्चों की कभी बड़ों की। कुछ भिक्स विक्स ले जाता हूँ, एक भिक्स दे दिया, एक झंडूबाम दे दिया, ठीक। दवाई ववाई ले ली है और आजकल दुकानों में तिरंगे झंडे, राखियाँ, यही सब दिख रही हैं, क्योंकि सारे फेस्टिवल के साथ आ गए एक ही हफ्ते लगभग, है ना। आजकल दुकानों में जा रहे हैं तो रंग बिरंगी राखियाँ हमें देखने को मिलेगी। दे नमस्ते, कद तारीख 19 तारीख से रखना ना। हाँ, तुम कह गाँव का छोड़ मेल डुमेल, अच्छा ये कद से रखे 10 वाले। तो चलो भाई, अगले दिन कहाँ आऊँगा मैं रक्षाबंधन की शॉपिंग करने के लिए, आज आ रखता हूँ तो लेके चला जाता हूँ दीदी से। ऑनलाइन बिजनेस या कैसे? तो वही बाज़ार में आ रखी है तरह तरह की साग सब्जियां और फल फ्रूट। ये देखो जी, मुंगेर भी आई थी। भाट जी, मुंगेर घर रहे थे कि देसी? ये ना घर रहे ना देसी। अच्छा, माने रामनगर बैठे यहीं से? ओ ठीक। लिंगवाड़ा नहीं आ रही? लिंगवाड़ा ठीक है। तो ये देखो भाई, लिंगोड़े फाइनली मिले हमें टीटी भाई जी की दुकान में। तो भाई एक दिन मुझे कमेंट आया था कि सुनील तुम घर गए हो तो दिल्ली आओगे जब, तो लिंगोड़े ले आना और वैशाली मेट्रो स्टेशन पे हमें दे जाना। तो अभी दिल्ली आने का प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन जिस टाइम आऊँगा उस टाइम रहेंगे तो ले आऊँगा। ये देखो मुंगरी ख़रीदारी कर ली है और अभी टाइम है हमारी गाड़ी को जाने का, जाने में टाइम है मतलब, तो तब तक हम घूम लेते हैं माता के दरबार में। वही मंदिर में आ रखे हैं मंदिर के पास, तो दर्शन करने में क्या बुराई जाती है।
तो ये है माँ दीवा देवी का एक बढ़िया सा मंदिर दुर्गा माँ का। ये देखो जो इसका नवीनीकरण हुआ है, जो इसमें साफ सफाई काम हुआ है ना भाई साहब, गजब। भाई दोस्तों यहाँ से हमारे घर दिखते हैं बिल्कुल साफ क्लियर। ये देखिए यहाँ से वो सामने हमारे घर, वहाँ पे ताजिकाल हो गया, नीचे हमारा गांव हो गया है ना। और क्या ब्यूटीफुल व्यू दिखता है यहाँ से। भाई जी की जय हो, नमस्कार, ठीक ठाक राज? बस हमने कहा घूम के आते हैं है ना। क्या हो रहा है बीरो खाल में धूमधाम? कुछ नहीं, क्या होना। तो भाई बीरो हाल बाजार आज ठंडा दिख रहा है, मुझे लग रहा है आज बैंकों की छुट्टी होगी 15 अगस्त की, तो इसलिए आज और दिन की तरह चहल पहल नहीं है। तो भाई मेरा आइडिया सही था, बैंक है बंद, तो इसीलिए बाजार जो है सुनसान दिख रहा है। तो चलो बीरो खाल में आगे करते हैं हल्का फुल्का सा फास्ट फूड वाला नाश्ता भाई जी के पास, क्योंकि चाउमीन बनाते बड़ी ही मज़ेदार है ना भाई साहब। बिल्कुल भाई साहब, तो यहाँ पे जलेबी चाउमीन समोसे इतने टेस्टी मिलते हैं कि भाई साहब जब भी बीरो खाल आते हैं यहाँ से कुछ ना कुछ खा के जाते हैं। अभी तो मैंने बनवाई है थोड़ी सी हाफ प्लेट चाउमीन। चाउमीन चलो भाई प्लेट हो गई चट बनी पैकिंग वाला। विद्या का भाई दीदी स्वरोजगार फर्स्ट क्लास अपुड़गा, बहुत बढ़िया दीदी, बढ़िया चल लो, बहुत बढ़िया लगे आ रहा हो। बॉडी जी ने बॉडी नमस्ते खोल रखा है। यहाँ पे बढ़िया सा ढाबा मिलते हैं समोसे नमक पारे, बढ़िया नमक पार बंडी। ओहो हम तो तुम्हारा नमक पार उबान क्वालियर भटिया खा रहे थे, तुम नमक पारा नहीं बना रही आज। अरे आज तो 15 अगस्त था, आज तो बढ़िया ही भाई। हाँ हाँ ठीक। अरे समोसा तो नमक पार मंगाया था। तो भाई बीरो खाल में बोडी चाची लोग एकदम बढ़िया से अपना स्वरोजगार कर रहे हैं है ना, अच्छी बात है भाई। अपने घर गाँव में जो भी मिले कर लेना चाहिए। तो बोडी जी चाय बनाते हैं बिल्कुल मस्त, लेकिन हमारी गाड़ी जा रही है, अब अगली बार पियेंगे, ठीक है बोडी, बाय। तो चलो जी हमारी बटवाड़ो एक्सप्रेस बीरो खाल से विदाई लेने को तैयार है ना। राम राम भाई जी। तो बाय बाय बीरो खाल, मिलेंगे जल्दी ही। आ गए हमारे साथ के सारे पैसेंजर, लोग हो चुके हैं रवाना बीरो खाल से अपने घर के लिए। बस ₹10 बिग फैन भाई, बिग फैन बाय। ठीक था, आ गए घूम के सैर करके। और भाई साहब सुबह लगी थी जोरदार बारिश, अभी लग गई है धूप। तो भाई आजकल ना सांप बहुत ज़्यादा निकलते हैं, देख के चलना पड़ेगा इतनी तेज धूप में। नमस्ते।
छुट्टी हो गया इधर जल्दी। तो भाई दोस्तों, आजकल 15 अगस्त को ना स्कूलों में ज़्यादा प्रोग्राम नहीं होते क्योंकि बारिश का मौसम ऐसा रहता है ना। ये देखो सुबह भी बहुत तेज़ बारिश लगी थी लेकिन बाद में बंद हो गई थी। कानो मैं ला रखा हूँ अपने बच्चे के लिए चिज्जी। पहले हेलो गाइस बोल दे, सभी मंडा में से बोले बोला हेलो। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी को ओमपी की तरफ से दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते। बोल मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। और ये दो बिस्कुट है ओमपी के लिए। तो भाई साहब इतनी चीजें लाओ तब जाके बच्चे खुश होते, नहीं तो आते जो है मुंह फुलाने लग जाते हैं, यख्यक गाड़ देते हैं यख्यक। तो भाई साहब अब मैं जो है आराम से इत्मीनान से हाथ मुँह धो सकता हूँ, नहीं तो मेरे आती ये जो है बैग खोल खाल के, और सबसे हरामी है ये बिगड़ा बच्चा, अरे उन सब खाई ली। हाँ मैं ले चाहे कुछ कब किधर निकल जाऊँ। हाँ तुम लोग खाने चाहो तो भाई ये है सास बहू के लिए थोड़ी थोड़ी चाउमीन ले। तो भाई दोस्तों मेरी माँ को पसंद तो है जलेबी लेकिन आज जलेबी नहीं बनी थी तो मैं बच्चों की पसंद के लिए आया चाउमीन। दिन में खाना खा के आराम करने के लिए और सो गए थे। वैसे मैं दिन में ज़्यादातर सोता तो नहीं हूँ लेकिन आज पता नहीं नींद आ गई और सो गया। तो अब हमें करनी है कल की तैयारी, और कल है घी संक्रांति यानी घी संक्रांति जो उत्तराखंड का एक लोक पर्व है, उसकी तैयारी करनी है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, आपको मिलेंगे फिर किसी और नए इंटरेस्टिंग पहाड़ी ब्लॉग के साथ। तो आप लोग अपना प्यार अपना सपोर्ट थोड़ा दिखाओ दोस्तों, चैनल पर बने रहो, वीडियो शेयर करो, है ना। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक आप सबको मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखें।